हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ANTS FT 10 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर है ये भी, काफ़ी इजी इजी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, कुछ कुछ लेंदी भी हैं, तो काफ़ी मिक्सअप है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखना। रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें तीन स्टेटमेंट देकर रखे हुए हैं, तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमको बताना है। राइट, फर्स्ट क्या बोल रहा है, चॉइस ऑफ चेंज इन डिफरेंट यूनिट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर भी चेंज होते हैं। स्टेटमेंट ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है, जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो गलत है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं तो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट को हमें कभी बदलना नहीं होता। राइट, टू रिमूव द एम्बिग्विटीज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर द बेस्ट वे टू रिपोर्ट द मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अगर बेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें साइंटिफिक नोटेशन यूज करने पड़ेंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। एक बार ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। सॉलिड एंगल मेड बाय अ हेमीस्फीयर एट इट सेंटर इज 4π। नहीं, 4π कंप्लीट स्फीयर का होता है, हेमीस्फीयर का 2π होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेकेंड देखना, सेकेंड क्या बोल रहा है। एन एरोप्लेन इज टू गो अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी एंड बैक अगेन। ठीक है, मतलब एक लाइन है ए टू बी, ये ए बोल देता हूँ मैं और ये बी बोल देता हूँ, एंड बैक अगेन। द रिलेटिव स्पीड ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इज वी। राइट, द विंड ब्लोन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी विद द स्पीड स्मॉल वी, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज एल, फाइंड द टोटल टाइम टेकन इन द राउंड ट्रिप। बहुत अच्छा सवाल है कि भाई हमें ए से बी तक जाना है। राइट, और हमारा जो विंड का वेलोसिटी है वो ए बी के परपेंडिकुलर वी है, तो ऑब्वियसली बात है एरोप्लेन को कहीं इस तरफ जाना पड़ेगा ताकि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट किस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मान लो ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ऑब्वियसली बात है इस कैपिटल वी का जो ये कॉम्पोनेंट होगा वी साइन थीटा, दिस कैपिटल वी साइन थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू स्मॉल वी। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी स्मॉल वी बाय कैपिटल वी। एक बार कॉस थीटा भी यहाँ पे लिख लेते हैं, काम आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉल वी का स्क्वायर बाय कैपिटल वी का स्क्वायर, ये हमारा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब जिस वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा दैट विल बी वी कॉस थीटा, कैपिटल वी कॉस थीटा, और डिस्टेंस कितना है एल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा दिस टाइम विल बी डिस्टेंस एल बाय वी कॉस थीटा। यहाँ से इस कॉस थीटा की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू निकल के आएगी एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ये ए से लेके बी तक जाने का टाइम है। सिमिलरली वो जब बी से स्टार्ट करेगा, बी से स्टार्ट करके इस तरफ उसको अपना ड्रैग देना पड़ेगा, विंड तो अभी भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम जो एंगल है वो यहाँ भी बनेगा, तो जाने का टाइम और आने का टाइम अगर सेम मैं मानूं क्या हो गई, तो टोटल टाइम ऑफ जो फ्लाइट होगा राउंड ट्रिप होगा दैट विल बी 2 × L × अंडर रूट ऑफ कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर ए करेक्ट है, वेरीफाइड है बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, तो 4 नंबर आ गया। हाँ, अ बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी 6 m/s वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट 3.2 m अबव द होराइजोंटल फ्लोर इफ इट रीबाउंड बैक टू द सेम हाइट देन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी। मतलब बात ऐसी है कि एक टावर है मेरे पास, उस टावर का जो हाइट है दैट इज h, दैट इज 3.2 m। राइट, यहाँ से एक बॉल को मैंने नीचे की तरफ फेंका 6 m/s से, तो देखते हैं कितनी वेलोसिटी से टकराता है वो ग्राउंड पे, मान लो v वेलोसिटी से कोलाइड करता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 6² + 2 × 10 × कितना आ जाएगा 33.2। तुम इसको सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी मेरे पास 10 m/s। सोल्व करना है, 36 आएगा, बाकी तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसका मतलब वो 10 m/s से कोलाइड किया, तो रीबाउंड कितने से करेगा e × 10 से, और रीबाउंड करके वो मैक्सिमम कितनी हाइट पे वापस जा रहा है, बिल्कुल टॉप, यहाँ पे जितनी हाइट है वहीं पे रिबाउंड करा वापस, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या माननी पड़ेगी मुझे, 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ e × 10 इसका होल स्क्वायर बाय 2 g दैट विल बी इक्वल टू h, h इज व्हाट 3.2,
तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके ई की वैल्यू आएगी 0.8, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सी का. बहुत बढ़िया. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर फोर. क्या बोल रहा है? सोनोमीटर इज सेट ऑन अ फ्लोर ऑफ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट. द सोनोमीटर वायर वाइब्रेट विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज. फाइन. व्हेन द लिफ्ट गोज अप विद एन एक्सीलरेशन वाइब्रेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी चेंजेस. When the lift goes up with an acceleration, vibration of the same frequency changes to a is equal to this. ये acceleration है, थोड़ा सा language का घुमाया हुआ scene है. तो acceleration कितना? 9g/16. Frequency of vibration at the same wire will change to. मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो frequency क्या होती है? Under root of t/mu होती है. अब wire तो same है, तो इसका मतलब frequency क्या होगी? Directly proportional to root t होगी. ठीक है. और तो t यहाँ पे किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा. मास भी वायर का सेम है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट g, मतलब एक्सीलरेशन. तो हम ये बोल सकते हैं f1 बाय f2 विल बी इक्वल टू रूट g डिवाइडेड बाय. जब वो ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स उस पर डाउनवर्ड लगेगा. ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा. तो नेट एक्सीलरेशन क्या आएगा? g प्लस 9g/16. तो मैं f1 की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूंगा? 256 divided by F2 will be equals to under root of 16/25. That will be 4/5. यहाँ से मैं frequency की value calculate कर लूँगा. तो जो मेरा answer आएगा that will be I guess 320 आना चाहिए. मैं एक बार answer verify कर लेता हूँ. हाँ ठीक है, option B correct है question number 4 का. 320 इसको तुम solve करना, 320 hertz आ जाएगा. Okay, moving on to the question number 5. When the ceiling fan is switched on, it makes 100 rotation in first 3 seconds. मतलब 100 रोटेशन का मतलब 100 इंटू 2 पाई का एंगल ट्रेवल किया है इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी. वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9. मतलब उसने 10 रेवोल्यूशन किए, एंगल कितना ट्रेवल किया? 10 इंटू 2 पाई इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर. हाउ मेनी रोटेशन विल इट मेक इन नेक्स्ट 3 सेकेंड? एक काम करते हैं, जीरो से स्टार्ट मानते हैं. मान लो उसने एन नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किए 2 पाई और वो रेस्ट से स्टार्ट किया, तो जीरो आएगा प्लस हाफ अल्फा इनटू. अब टाइम क्या हो जाएगा इसका? 3 + 3, क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया तो टोटल 6 सेकंड आएगा. तो ये कितना आ जाएगा? 36. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10/n विल बिकम व्हाट? 1/4. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40. लेकिन ये एन जो है जीरो से लेके 6 सेकंड में किए गए टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है. तो नेक्स्ट पहले 3 सेकंड में कितने करे? 10. तो बाकी 3 सेकंड में कितने करेगा वो? 30. दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. तो आंसर कितना होना चाहिए? 30. तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है दैट इज 30. बहुत बढ़िया. मैम इसको भी वो कर दो वेरीफाई. फाइन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कॉन्वेक्स ग्लास लेंस, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हैज फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन एयर. इसका मतलब 1/8 इज इक्वल टू 1.5 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2. फाइन. अब मैंने उसको किस में रख दिया है? पानी में रख दिया है. तो उसका फोकल लेंथ 1/f निकालना है हमको. तो वो क्या होगा? 1/5 / 4/3 - 1 (r1 - 1/r2). दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से हम f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. और f की जो वैल्यू आएगी, मैं आंसर वेरीफाई करता हूँ, f की वैल्यू कितनी आएगी? 32. डायरेक्ट मैंने आंसर की से टैली कर दिया, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल ठीक है. तो अगर कुछ मिस्टेक होता है बाद में हम देख लेंगे. तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखें तो आंसर होगा हमारा ए. चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे. ठीक है, क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल अंडरगोज एन SHM विथ टाइम पीरियड 2 सेकेंड. In how much time will it travel from mean position to displacement equal to the half of the amplitude? देखो, mean position से a by 2 तक जाने का जो टाइम होता है वो तुमको क्लास में डायरेक्ट करवाया हुआ, t/12. याद रखना, t कितना है? टोटल टाइम पीरियड बाई 12. ये क्या होगा? 1/6 सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का. एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ. हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, टू वेव्स आर ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, दोनों की इक्वेशन गिवन है मुझे, ए साइन अल्फा टी माइनस बीटा एक्स, वाई टू इज इक्वल टू ए कोस बीटा एक्स प्लस अल्फा टी.
वेयर वाई वन वाई टू आर द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम तो टी है, अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट. तो बताओ कौन सी वैल्यू डिफरेंट है. स्पीड, स्पीड क्या होता है ओमेगा वाई के, राइट. ओमेगा क्या है, टी का मल्टीपल, यहाँ भी टी का मल्टीपल अल्फा है और यहाँ भी टी का मल्टीपल क्या है, अल्फा है, ठीक है. के क्या होगा, एक्स का मल्टीपल, यहाँ भी एक्स का मल्टीपल बीटा है और यहाँ भी एक्स का मल्टीपल बीटा है, इसके मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम. डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, एक में यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है, एक में यहाँ पॉजिटिव साइन, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, ओपोजिट. तो ये वाला आंसर होगा. हम मतलब हमसे पूछा क्या है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो अलग है दोनों इक्वेशन में, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों का डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. तो और है ना, वेवलेंथ तो क्या होता है, टू पाई बाई के होता है, तो दोनों का के अगर सेम होगा तो वेवलेंथ भी सेम होगा, तो के तो सेम है, दोनों का बीटा सेम है, तो हमको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से क्या हो जाएगा, टू पाई बाई टी, तो अगर दोनों का ओमेगा सेम है, मतलब टी का मल्टीपल अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे. 9 क्या बोल रहा है, एन एस्ट्रोनॉट ऑफ मास एम इज वर्किंग इन अ सैटेलाइट orbiting the earth at a distance at a height h from the earth surface. The radius of earth is r while its mass is m. The gravitational pull on the astronaut. ठीक, देखो बात ऐसी है कि ये अर्थ है, यहाँ से h height पे एक astronaut किसी aircraft के अंदर work कर रहा है, तो उस पर gravitational pull तो gm1 m2 divided by r e plus h का square लगेगा, लेकिन एक शूडो लगेगा उस पर क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, तो टोटल फोर्स उस पर जीरो हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन पुल पूछा है ना हमसे, तो बस ग्रेविटेशन पुल, तो ग्रेविटेशन पुल तो यही होगा. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 9 नंबर का एक बार वेरीफाई करता हूँ मैं, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू आंसर की. तो 9 नंबर का आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्या बोला इसने, अ पॉइंट चार्ज 7.5 माइक्रोकुलम, एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 7.5 माइक्रोकूलम और वो रखा कहाँ है, वो 4.3 पे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5. हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, के मतलब 9 × 10⁻⁹, क्यू क्या होगा 7.5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25. इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा वो सही, मैं डायरेक्टली आंसर ही बोल देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है यहाँ पे आंसर की में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो इसको ध्यान रखो, अगर कुछ कैलकुलेशन तुम्हारा मिस्टेक होता है, फिर आंसर की में कुछ डिफेक्ट होता है, तो वी विल सी दैट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, अ रेन ड्रॉप रीचिंग द ग्राउंड विद टर्मिनल वेलोसिटी हैज मोमेंटम पी, मतलब पी इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू वी. अब टर्मिनल वेलोसिटी केस में एक चीज ध्यान रखना कि वेलोसिटी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात तो तुमको फ्लूइड मैकेनिक्स से मालूम पड़ी गई होगी, और मास क्या होता है आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, आर की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अनदर ड्रॉप ऑफ, सॉरी एक मिनट, वाईफाई कनेक्ट हो गया गलती से. हाँ, अगर बोलो अ रेन ड्रॉप, अनदर ड्रॉप ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑल्सो रीचिंग द ग्राउंड विद टर्मिनल वेलोसिटी विल हैव मोमेंटम, मतलब रेडियस इसने क्या कर दिया डबल, अगर इसने रेडियस डबल कर दिया है तो पी वन बाय पी टू दैट विल बी इक्वल टू आर बाय ट्वाइस आर की पावर 5, तो पी टू क्या होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, किस तो 32 होगा, तो 32 टाइम्स ऑफ पी वन, तो ये आंसर आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का. 12 पे आते हैं, द ई एम एफ ऑफ अ बैटरी ए बैलेंस्ड बाय अ लेंथ 80 सेंटीमीटर, द ई एम एफ ऑफ अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ 1 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ई एम एफ ऑफ ए, तो ई वन बाय ई टू दैट इज इक्वल टू एल वन बाय एल टू, सिंपल सा फॉर्मूला, ई वन को मैंने ई ए बोल दिया, ई टू मेरा क्या है 1, ई ए कितने पे बैलेंस हो रहा है 80 पे, वो कितने पे बैलेंस हो रहा है 50 पे, तो क्या होगा 1.4 वोल्ट 80 बाय 50, सॉरी 1.6 आना चाहिए 80 बाई 50, हाँ 1.6 वोल्ट, तो ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 वोल्ट, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा डी, बहुत बढ़िया. चलिए ये भी हम देख लेंगे. नेक्स्ट है, अ पी एन जंक्शन द डिप्लीशन लेयर इज 400 नैनोमीटर वाइड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज एग्जिस्ट इन इट, इसका मतलब ये डिप्लीशन लेयर है, उसका डिस्टेंस डी दे रखा है मुझे 400 नैनोमीटर. इमेजिन तुम कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई दे रखा है कुछ वैल्यू,
व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन विच कैन बी डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. मतलब अगर एन साइड से पी साइड की तरफ एक इलेक्ट्रॉन अगर डिफ्यूज किया गया, जैसे मतलब ये वो तो इस तरफ आएगा हालांकि, तो उसकी कितनी एनर्जी होगी. सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, और वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम जितनी पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करेगा. तो बेसिकली हमारा जो आंसर होगा वो होगा ई इंटू डेल्टा वी, मतलब ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस. ई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर. अच्छा, अगर हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हमको इस ई की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसको ई से डिवाइड करना पड़ेगा. तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे दैट विल बी ई इंटू डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5 इंटू 10 पावर 5 और ये क्या 400 नैनोमीटर. तो यहाँ से सोल्व करके तुम अगर देखो तो शायद 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा मेरे हिसाब से आंसर. मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होना चाहिए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वही तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बनने वाली, क्योंकि वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी ना. तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 40, इन द फिगर वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क वाई इज ट्वाइस दैट ऑफ फ्लास्क एक्स. डायग्राम देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहे हैं. फ्लास्क वाई, ये हमारा फ्लास्क वाई है, ये फ्लास्क एक्स है. इसका टेम्परेचर 400 केल्विन है, इसका टेम्परेचर 200 केल्विन है, इसका वॉल्यूम 2V है, इसका वॉल्यूम V है. वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क वाई इज ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम फ्लास्क ऑफ एक्स. इट कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब, ठीक है, ये ट्यूब से कनेक्टेड है. द सिस्टम इज फिल्ड विद एन आइडियल गैस, पूरे सिस्टम में आइडियल गैस भरी हुई है. And the flask X and Y are kept at 200 Kelvin and 400 Kelvin respectively, right? If the mass of the gas is X, in X is M, मतलब इसमें जो गैस का मास है वो M है, तो हमें इसमें गैस का मास पूछा है, इसको चलो M dash बोल देते हैं. अब सीधी सी बात है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो दोनों तरफ प्रेशर क्या होगा, सेम. दोनों तरफ अगर प्रेशर सेम होगा तो इसका मतलब एन आर टी बाई वी ऑफ दिस साइड जो कि 2V है और यहाँ का टेम्परेचर T1 है शुड बी इक्वल टू एन N1, यहाँ पे N2 लिख देता हूँ, RT2 by V, क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम V है, यहाँ का 2V है, V से V गया, R से R गया. तो N1 T1 by 2 इज इक्वल टू N2 T2. अच्छा, N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होगा, मास इस साइड का दैट इज M डैश डिवाइडेड बाय 2 इंटू इस साइड का टेम्परेचर कितना है 400 इज इक्वल टू राइट साइड का मास क्या M इंटू क्या हो जाएगा 200. आई गेस एम डैश की वैल्यू एम के बराबर ही आ रही है, क्योंकि मास अपॉन में मोलर मास तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो ही जाएगा ना, क्योंकि सेम ही गैस है. तो एम डैश की वैल्यू एम आनी चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग, बाद में आगे करेंगे बाकी बात. तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन एम है, यस एम इज द ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट. 14 का मैं एक बार देखता हूँ, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज ट्रेवलिंग विद स्पीड वी अलॉन्ग अ सर्कुलर पास ऑफ रेडियस आर राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल. एक काम करते हैं, आर इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखते हैं एम वी बाय क्यू बी. अगर इसकी स्पीड मैंने डबल कर दी एंड मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर दिया तो अल्टीमेटली ये 1/2 का फैक्टर ऊपर जाके 4 हो जाएगा. तो आर किसके बराबर होगा, 4 mv/qb आर डैश. तो इसका मतलब जो नया रेडियस आएगा दैट विल बी 4 times ऑफ इनिशियल रेडियस, राइट. तो ये क्या हो जाएगा 4R. तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग अब. टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज मेड ऑफ सेम मटेरियल विथ सेम सरफेस फिनिश, मतलब दोनों का मटेरियल सेम है और सरफेस फिनिश भी सेम है, विल हैव मासेज M1 एंड M2 आर एट टेम्परेचर T1 and T2 इफ दे आर रेडिएटिंग द सेम पावर. मतलब दोनों का पावर सेम है, इसका मतलब दोनों का जो dQ/dt है दैट इज कॉन्स्टेंट. dQ/dt कॉन्स्टेंट का मतलब सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 कॉन्स्टेंट, मतलब a1 इंटू t1 की पावर 4 इज इक्वल टू a2 इंटू t2 की पावर 4. ये हमारा एक्सप्रेशन बना. अब इसने क्या बोला, m1/m2 का रेशियो चाहिए मुझे, तो यहाँ से a1/a2 का रेशियो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू t2/t1 की पावर 4. लेकिन ये तो a1/a2 का रेशियो है ना, चलो यहाँ से काम करते हैं, r1/r2 का रेशियो क्या होगा, ये तो r1 square by r2 square होगा ना, एरिया तो r square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं रेडियस लूँ तो.
अगर स्फेरिकल बॉडी अगर मैं कंसिडर कुछ स्फेरिकली दिया है तो आर वन बाय आर टू क्या हो जाएगा, टी टू बाय टी वन का स्क्वायर। अच्छा अब हमको अगर रेडियस का रेशियो मिल गया है तो मास क्या होता है, एम वन बाय एम टू, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों की डेंसिटी क्या है सेम, तो ये क्या हो जाएगा आर वन बाय आर टू का क्यूब, राइट, आर वन बाय आर टू का होल क्यूब, यहाँ से इस आर वन बाय आर टू को उठा के यहाँ पुट कर दो तो एम वन बाय एम टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी टी टू बाय टी वन का पावर सिक्स, दैट विल बी आंसर टू दिस प्रॉब्लम। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो चेक कर लेना। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17, द वाल्व वी इन द बेंड ट्यूब इज इनिशियली केप्ट क्लोज्ड, टू सो बबल ए स्मॉलर या स्मॉलर है, बी इज लार्जर आर फॉर्मड एट टू ओपन एंड्स, वी इज नाउ ओपन, वी को मैंने ओपन कर दिया, एयर कैन फ्लो फ्रीली बिटवीन, देखो छोटा है तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता है डेल्टा पी, दैट विल बी 40 बाय आर, अगर बबल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसका प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका प्रेशर क्या होगा कम होगा, और हमेशा एयर तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है, तो लोअर बबल से एयर हायर बबल में जाएगा तो लोअर का साइज और छोटा होता रहेगा, हायर का साइज और बड़ा होता रहेगा। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन द साइज ऑफ बबल, गलत है, देयर बबल विल बिकम ऑफ इक्वल साइज, नहीं ये बात भी गलत है, ये लेकिन मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन है क्योंकि लोगों को लगता है कि डिफ्यूजन से जो है सेम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम दोनों का, बट ऐसा नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस छोटे वाले का प्रेशर ज्यादा होता है और बड़े वाले का प्रेशर नॉर्मली क्या होता है कम होता है, फाइन। और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए विल बिकम स्मॉलर बी विल बिकम लार्जर, ये बात गलत है क्योंकि ए, हाँ ठीक है ये सही है, ए बहुत और छोटा हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस भैया। तो 17 का जो आंसर दिया है, मैं एक बार आंसर की, हाँ ठीक है सी दिया है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18, अ वेट इज हंग ओवर अ पुली इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग कंप्रेस्ड कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स ईच मेड ऑफ द सेम मटेरियल, इसका मतलब दोनों का जो मटेरियल क्या है सेम है, तो मैं इनकी डेंसिटी वगैरह जो भी टर्म मेरे पास आएंगे वो सेम ले सकता हूं, बट वन हैविंग फोर टाइम्स डायमीटर ऑफ द अदर, ठीक है इसका मतलब इसका डायमीटर जो है दूसरे वाले का फोर टाइम्स है, इसका मतलब अगर मैं इसका रेडियस आर वन बोलता हूं तो दैट इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ आर टू, ओके, द स्ट्रिंग इज प्लक्ड सो दैट पल्स मूव अलोंग इट मूविंग, मतलब यहां से तुमने स्ट्रिंग को प्लक कर दिया तो यहां से पल्स ऐसे मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग अगर इस तरह का है तो पल्स ऐसे मूव कर रहा है, फाइन। इसमें V1 से मूव कर रहा है, इसमें V2 से मूव कर, तो V1 बाई V2 निकाला, देखो वेलोसिटी क्या होता है अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू, अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास क्या होता है T बाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू लेंथ, है कि नहीं, और यहां से अगर मैं मास को क्या बोलूं डेंसिटी, अच्छा मास इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास की वैल्यू क्या आ जाएगी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब तुम यहां से इसको अगर चेक करना चाहोगे तो दोनों रस्सी का जो लेंथ है वो तो क्या है सेम है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों के दोनों जो स्ट्रिंग है उनका लेंथ अगर मैं सेम मानू तो एल का फैक्टर क्या हो जाएगा सेम, और यहां से एक चीज अगर मैं और निकाल के लेके आऊं तो वॉल्यूम में मेरे पास क्या आ जाएगा टी बाय, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूज ना भी करना चाहूं तो टी बाय म्यू से भी मैं डायरेक्टली सोल्व कर सकता हूं, टी क्या है यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो दोनों ब्लॉक, ये ब्लॉक एम है और इसका मास क्या एम जी, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन टी किसके बराबर आ जाएगा एम जी के बराबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय म्यू, इसका मतलब वेलोसिटी विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, जिसका म्यू कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी, और म्यू की वैल्यू तुम इन दोनों के रेडियस से निकालोगे क्योंकि एक का रेडियस ज्यादा है तो उतने ही लेंथ में उसके पास मास भी क्या होगा ज्यादा होगा, एक का रेडियस कम है तो उतने ही लेंथ में उसका मास भी क्या होगा कम होगा, तो तुम म्यू से यहाँ पे मास का रेशियो निकालना तुमको आंसर मिल जाएगा। मैं इसको पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम इस तरह की प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं, शायद ये यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई जल्दबाजी में, तो तुम इससे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेंट्रल ब्राइट फिंस कैन बी आइडेंटिफाइड, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फिंस को आइडेंटिफाई कैसे करें, एज इट हैज ग्रेटर इंटेंसिटी देन द अदर फ्रिंज, नहीं सारी फ्रिंजेस की डेंसिटी इंटेंसिटी क्या होती है सेम,
एज इट इज वाइडर देन दी अदर ब्राइट फ्रिंज, ये भी गलत है क्योंकि वो वाइडर नहीं होती, सारी फ्रिंज की विड्थ हम ऑलमोस्ट सेम मानते हैं कुछ सर्टेन अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग. एज इट इज नैरोअर देन अदर ब्राइट फ्रिंज, ये बिल्कुल गलत बात है. बाय व्हाइट लाइट इंस्टीड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, हाँ ये बात ठीक है क्योंकि अगर हम व्हाइट लाइट गिराएंगे ना, तो अगर मान लो वाई डी एस सी का सेटअप है उस पर मैंने व्हाइट लाइट गिरा दी, तो फ्रिंज पे जो पैटर्न बनेगा उस पर जो फर्स्ट फ्रिंज का डिस्टेंस होगा दैट विल बी लैम्डा डी बाई डी. तो लैम्डा सब लाइट के कलर के लिए अलग अलग हुआ, तो इसका मतलब सारे जो सेवन कलर्स हैं उनकी फ्रिंजेस अलग अलग जगह बनेगी, मतलब रेड की फर्स्ट फ्रिंज, दूसरे कलर की फर्स्ट फ्रिंज, तीसरे कलर की फर्स्ट फ्रिंज अलग अलग डिस्टेंस पे बनेगी. तो ये फर्स्ट और सब की फर्स्ट फ्रिंजेस क्या होगी, सेपरेट होगी, है ना, कि रेड की फर्स्ट फ्रिंज के लिए लैम्डा, रेड के लिए लैम्डा अलग है तो रेड की फर्स्ट फ्रिंज कहीं अलग बनेगी, वॉयलेट के लिए लैम्डा अलग है तो वॉयलेट की फर्स्ट फ्रिंज कहीं अलग बनेगी, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज तो सबकी, सेंट्रल ब्रांच तो सबकी सेम ही जगह बनेगी, तो यहां से हम सेंट्रल ब्रांच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाकी लाइट्स की कंपेयर में सो इजीली. तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो डी है मेरे हिसाब से. एक बार मैं आंसर की मैं वेरीफाई कर, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बिल्कुल. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ क्लोज सर्फेस थ्रू विच द नेट फ्लक्स इज जीरो, ईच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, विच वन ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू. तो क्या बोला, फ्लक्स जीरो है, ये हमें ध्यान रखना है. अगर फ्लक्स जीरो है तो देर आर नो चार्जेस इन साइड द सर्फेस, ओके, द नेट चार्जेस इन साइड द सर्फेस इज जीरो, ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सर्फेस. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो देर आर नो चार्जेस इन साइड द सर्फेस, ये हमेशा ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ऐसा भी हो सकता है कि जितना पॉजिटिव हो उतना नेगेटिव हो, तो नो चार्जेस तो हम नहीं बोल सकते ना. देयर नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस विल बी जीरो, ये बिल्कुल करेक्ट है. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इज जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ये बिल्कुल गलत है. अगर किसी गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो, बिल्कुल सही बात नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही, तो फ्लक्स जीरो हो गया, बट फील्ड तो जीरो नहीं हुआ. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीविंग द सरफेस, ये बिल्कुल सही बात है, तभी तो टोटल फ्लक्स जीरो होगा. तो ऑप्शन बी और डी करेक्ट है. तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20 किसका, है ना, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट आते हैं, इन द इनफाइनाइट कंडक्टिंग रिंग ईच हैविंग करंट आई, एक में एंटी क्लॉकवाइज है दूसरे में क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे में क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, माइनस दूसरे का क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस इंटू टू आर, प्लस म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस इंटू, रेडियस कितना है, पहले का क्या है r है, दूसरे का 2r है, तीसरे का 2 टू दी पावर 3r है, एंड सो ऑन चल रहा है, प्लस माइनस का साइन आ रहा है. तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 टू दी पावर 3 एंड सो ऑन. तो म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, ये जीपी है, 1 अपॉन में 1 माइनस माइनस 1 बाई 2, जीपी का एडिशन है ये क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस 1 बाई 2 है. तो यहां से सोल्व करके आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाय 3 आर, दैट विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम. ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22, अ चार्ज पार्टिकल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द रीजन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है. When the electric field is switched off, the particle has initial acceleration a. अब अगर तुमने electric field को switch off, मतलब ये undeviated move कर रहा है, इसका मतलब electric force और magnetic force QVB, V cross B से नीचे आएगा ना, दोनों same है. अगर तुमने electric field को भेज दिया, तुमने कहाँ गायब कर दिया, तो जो भी acceleration आएगा वो नीचे की तरफ a है. इसका मतलब ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तब भी वो नेट एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ ए ही दे रहा था, तभी तो टोटल एक्सीलरेशन जीरो था. हम बिल्कुल लॉजिक से बात कर रहे हैं. तो पार्टिकल विल हैव एक्सीलरेशन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द पार्टिकल विल हैव इनिशियल एक्सीलरेशन. तो ऑब्वियसली बात है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को तुमने स्विच ऑफ किया था तो नीचे की तरफ एक्सीलरेशन ए आया था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर ए दे रहा था, तभी तो जीरो हुआ था ना नेट एक्सीलरेशन. तो अब जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को गायब करके इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाओगे तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन ए, जो वो पहले ए ही तो था. तो आंसर आना चाहिए इक्वल्स टू ए, ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही बात है. तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23,
फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस दिस लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी लैम्डा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम इंटू काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगा ई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस सारी वैल्यू पुट कर देना यहां पे सॉरी यहां पे एच आएगा एच की वैल्यू है तुम्हारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा 100 मैं डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूं 23 का आंसर आएगा 1.228 एंगस्ट्रॉम सोल्व करना नहीं अगर तुमको मिलता तो हम कुछ करेंगे इसका इलाज मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24 अ बार मैग्नेट इज डी मैग्नेटाइज बाय इंसर्टिंग इनसाइड अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ दिस टर्न्स दिस कैरिंग करंट दिस द कोरेसिविटी ऑफ बार मैग्नेट देखो कोरेस म्यू नॉट एन आई जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज वॉट बी उसमें से ये वाला टर्म तुम अगर निकाल दो एच तो हिस्टेरेसिस कर्व में यही कोरेसिविटी निकल के आता तो एन तुमको क्या दे रखा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट क्या 5.2 ये तुम्हारी कोरेसिविटी हो जाएगी सोल्व करके तुमको मिल जाएगा आंसर नंबर सी मैं आंसर की सामने रख के बोल रहा हूं ताकि मेरे लिए भी आसान रहे तुम्हारे लिए भी आसान रहे मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 25 अ स्मॉल बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द बॉल एट द मूवमेंट व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं मैंने इसको ऐसे फेंका यहां उसकी वेलोसिटी वी है ये वाला एंगल थीटा है एक मूवमेंट है जब ये वाली वेलोसिटी इस वाली वेलोसिटी के क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री उस टाइम पे मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है वी डैश मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया यहां वर्टिकल ड्रॉ किया यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये एंगल क्या है थीटा ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा ये क्या होगा थीटा राइट तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा तो वी डैश निकालना मुझे तो मैं बोल सकता हूं वी डैश साइन थीटा दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल तो हमेशा सेम ही होगा ना तो अगर वी डैश किसके बराबर आएगा ऐसे वी बाय टेन थीटा और वी डैश जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ में अगर रोल प्ले कर रहा है तो लैम्डा किसके बराबर होगा एच बाय एम इंटू वी डैश तो एच बाय एम वी इंटू ऊपर में क्या चला जाएगा टेन थीटा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या एच बाय एम वी टेन थीटा ऑप्शन सी करेक्ट है क्या इसका यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 25 का आंसर सी हो जाएगा मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26 चलो इतने में ही कर देता हूँ व्हेन अ बेल्ट मूव हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड जीआरवी ये कोई यूनिट होगा फॉलिंग ऑन इट एट 5 केजी मीटर पर सेकंड एंड द एक्स्ट्रा पावर नीडेड टू ड्राइव द बेल्ट देखो पावर का पैरामीटर क्या होता है पावर का पैरामीटर क्या होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी फोर्स क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड तो ये क्या हो जाएगा केजी बाय सेकंड इंटू मीटर बाय सेकंड का स्क्वायर ये बिल्कुल डायमेंशनल एनालिसिस है यहाँ पे मीटर पर सेकंड क्या दे रखा है वेलोसिटी और केजी पर सेकंड क्या होता है बेल्ट पे जो गिर रहा है मास तो इसका मतलब केजी पर सेकंड की जगह में क्या रखूंगा 5 इंटू वेलोसिटी क्या होगा 1.5 इंटू 1.5 इसको सोल्व करके तुम्हारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 11.25 वॉट राइट तो ये हमारा पावर होना चाहिए बिल्कुल डायमेंशनल एनालिसिस से ही मैंने कर दिया इसको चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है हेड ऑन अ बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी कोलाइड हेड ऑन टू अनदर बॉल ऑफ सेम मास एट रेस्ट एक बॉल है जिसका मास एम है वेलोसिटी वी है दूसरी बॉल है जिसका मास सेम है वेलोसिटी जीरो है को कोलाइड किया कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है ई टकराने के बाद मैंने बोला कि इसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी वी वन और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी टू हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं एम इंटू वी इज इक्वल टू एम वी वन प्लस एम वी टू सोल्व करके मेरा v किसके बराबर आ जाएगा वी वन प्लस वी टू इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाए तो क्या आएगा वी टू माइनस वी वन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वी दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड कर दूं अगर मैं दोनों इक्वेशन को इस टर्म से ऐड कर दूं वी वन कैंसिल आउट होगा तो टू वी टू किसके बराबर आ जाएगा ई प्लस वन इंटू वी तो वी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी ई प्लस वन इंटू वी बाय टू द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मास विद आफ्टर द कोलिजन विल बी वी टू तो ये वाला टर्म दिख रहा है मुझे यहां पे राइट अब यहां से अगर मैं
वी टू को यहां पुट कर दो तो मुझे वी वन की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी वन माइनस ई इन टू वी बाय टू। सोल्व करके देख लेना, मेरे हिसाब से आंसर ए होना चाहिए। तो 27 का एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, बिल्कुल तो 27 का आंसर क्या है ए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम विद ए इज इक्वल टू दिस, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ए को पुट करो, आर नॉट की वैल्यू दे रखी है, तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ 7.8 फॉर मी, ऑप्शन बी। 29 पे आते हैं, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10^-5 टेस्ला इन फ्री स्पेस द एनर्जी डेंसिटी इज यू, द इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल प्रोड्यूस द सेम एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी सेम है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी, हाँ या ना। तो ये वाला टर्म हम ध्यान रखेंगे, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर बाई ट्वाइस म्यू नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 2 गया, बी स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का रूट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, सोल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फाइन, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है देखना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज गिवन बाय, एक ब्लॉक है मेरे पास F इज इक्वल टू 5-2t, ये फोर्स लगा हो, ये है इस फोर्स। अच्छा, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस इन टू एम जी, तो म्यू एस 0.2, एम जी 10 है, तो आएगा 0.2 × 10, दैट विल बी 2 न्यूटन। इसका मतलब इसको 2 न्यूटन का फोर्स ये चलने के लिए। अच्छा, टी इज इक्वल टू 0 पे इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 5। इसका मतलब जैसे ही फोर्स लगा, टी इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक चलने लग जाएगा, और जैसे ये चलने लग जाएगा फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक। अब इसकी वैल्यू चाहे घटती रहे चाहे बढ़ती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला इसने, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एट टाइम टी इज इक्वल टू 2, टी इज इक्वल टू 2 पे एफ की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन। लेकिन ब्लॉक चल रहा है ना, तो उसमें फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एम जी। अब म्यू एक ही दिया है तो उसी को यूज करते, 0.2 × mg/10, दैट विल बी 2 न्यूटन। इसका मतलब उस टाइम पे उसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, 2 न्यूटन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 31, ओके, अ होलो स्फीयर हैविंग मास m, रेडियस r इज रोलिंग एज शोन इन फिगर, इफ द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर इज वी नॉट। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये स्फीयर है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ओमेगा दे रखा है मुझे वी नॉट बाय r, ये मेरा ओरिजन है, इस ओरिजन के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो एक तो, और ये ऐसा नहीं एग्जैक्टली, ये इस तरह से पास हो रहा है, ऐसे टच कर रहा है बिल्कुल ऐसे, तो इस पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी नॉट इंटू ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r। रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 2/3 mr² इंटू वी नॉट बाय r। ये प्लस तब होता जब ये क्लॉकवाइज घूमता, आई गेस क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो ये वाला बाहर आएगा, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। तो m v नॉट r -2/3 mv0 × r, तो ये सोल्व करके क्या आ जाएगा, mv0r/3, दैट विल बी आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 32, अ कार इज मूविंग विद इन अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ लेवल रॉड, इनसाइड द कार देर इज अ बैलून फिल्ड विद द हीलियम एंड अटैच टू द पीस ऑफ स्ट्रिंग टाइड टू द फ्लोर, द स्ट्रिंग इज ऑब्जर्व टू बी वर्टिकल। सीधी सी बात है, एक कार है, उस कार के अंदर एक बैलून रखा है, बैलून ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। द कार नाउ टेक्स लेफ्ट टर्न टू मेंटेन द स्पीड एट द लेवल रोड, द बैलून विल बैलून इन द कार। देखो बात ऐसी कि जिस तरफ मास पे सूडो फोर्स लगता है, बैलून पे उस पर उल्टा लगता है। तुमको फ्लूइड के अंदर देखा होगा कि बबल बॉटम से हमेशा ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो अब अगर मैं कार को लेफ्ट की तरफ घुमाऊं तो शूडो फोर्स कहां लगना चाहिए था हम लोगों पे, जो इंसान बैठा है, राइट की तरफ, लेकिन बैलून पे कहां लगेगा, वो अंदर की तरफ। तो क्या होगा, कंटिन्यू टू रिमेन वर्टिकल, मतलब बैलून कहां जाएगा, कंटिन्यू टू रिमेन वर्टिकल, बिल्कुल गलत बात है। बर्स्ट वाइल टेकिंग द कर्व, बिल्कुल गलत बात है। बाय थ्रो ऑन द राइट साइड, बाय थ्रो ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड टर्न लिया है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ ही मुड़ जाएगा, मतलब बिल्कुल अगर तुमने गाड़ी को ऐसे मोड़ा है तो बैलून भी उसी तरफ बैंड हो जाएगा, क्योंकि शूडो फोर्स के एग्जैक्ट अपोजिट लगता है, शूडो का रीजन होता है बिल्कुल बैलून का। तो 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वन वॉल ऑफ एन आइडियल मोनाटोमिक गैस परफॉर्म अ साइक्लिक प्रोसेस इंडिकेटेड बाय ए बी सी डी ए, ठीक है।
द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट ए बी सी डी आर गिवन टी ट्वाइस टी सिक्सटी थ्री टी द आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट द वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिक प्रोसेस. देखो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस का वर्क डन क्या होगा पूछा. ये वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये पीटी ग्राफ है. पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम जब भी कांस्टेंट होता है वर्क डन क्या होता है जीरो. इसका मतलब इस वाली प्रोसेस का वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो. क्लियर. यहां जो पीटी ग्राफ है ये दूसरा वाला जो पीटी ग्राफ है डी से सी वाला, ये भी स्ट्रेट लाइन है मेक पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो यहां भी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या टेम्परेचर है. इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहां भी वर्क डन क्या होगा जीरो. तो वर्क डन किस में होगा बी टू सी में और डी टू ए में, राइट. अब बी टू सी जो है इस बी टू सी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रेशर कांस्टेंट है और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो बी टू सी में जो वर्क डन आएगा वर्क डन इन बी टू सी दैट विल बी एन आर इन टू टी टू माइनस टी वन. तो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं. टू वायर हैव सेम मटेरियल एंड सेम मास आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम फोर्स, सब कुछ सेम है. देयर लेंथ आर इन रेशियो टू रेशियो थ्री देन देयर इलोंगेशन आर इन द रेशियो. देखो हम फॉर्मुला जानते हैं कि फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू इलोंगेशन बाय लेंथ. तो यहां से इलोंगेशन क्या आ जाएगा फोर्स इनटू लेंथ बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया. अब फोर्स सेम है तो इसको हटाओ यहां से, सेम मटेरियल तो इस यंग्स मॉडुलस को भी हटाओ. इसका मतलब डेल्टा एल जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया. इसका मतलब डेल्टा एल वन बाय डेल्टा एल टू विल बी इक्वल टू एल वन बाय एल टू इनटू ए टू बाय ए वन. ठीक है. अब L1 by L2 को तो मुझे पता है A2 by A1 निकालना है, उसके लिए मास दे रखा है सेम. मास सेम मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सेम, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ सेम. तो मतलब एरिया इनटू लेंथ सेम क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है. तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2. तो यहां से A1 by A2 विल कम्स आउट टू बी L2 by L1. A1 by A2 उठा के यहां पुट करो, तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएंगे खुशियां. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहां पे सोल्व कर लेना. Three identical bulb are connected as shown in the figure. When the switch is closed, the power consumed by bulb B is P. What will be the power consumed by the same bulb when switch is open? बात ऐसी कि तीनों बल्ब सेम है. तो ये रहा हमारा सर्किट. पहले स्विच क्लोज के लिए बात कर लेते हैं. ये R है, ये भी R है और ये R है, दोनों पैरेलल में है, है ना. दोनों पैरेलल में तो R by 2 हो जाएगा, R by 2 plus R, R equivalent क्या आ जाएगा यहाँ पे 3R by 2. तो I इज इक्वल टू क्या होगा V अपोन में 3R बाई 2. इसमें जो करंट जाएगा दैट विल बी V 2V अपोन में 3R. ठीक है. तो यहां से यहां पे कितना जाएगा V अपोन में 3R. तो इसमें पावर डिसिपेटेड P कितना आ जाएगा I स्क्वायर R. इट विल बी V अपोन में 3R का स्क्वायर इंटू R दैट विल बी V स्क्वायर बाय 9 टाइम्स ऑफ R. दैट विल बी द पावर इन द इनिशियल केस. सेकेंड केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये रेजिस्टेंस इस तरह का है, ये रेजिस्टेंस ऐसा है, ये बल्ब है, ठीक है, और दूसरा वाला तो हट जाएगा. तो ये R है और ये R है. तो इस बार I क्या होगा V by 2R. तो पावर क्या हो जाएगा V by 2R का स्क्वायर इंटू R. तो नया पावर क्या हो जाएगा V स्क्वायर by 4R. दोनों में क्या रेशियो तुम आराम से देख लेना, तुमको आंसर मिल जाएगा. 41 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए. 42 An electron of mass m move with initial velocity v I in electric field E j. मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है वी नॉट आई कैप से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है दैट इज ई नॉट जे कैप. इनिशियल वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस शुड बी इक्वल टू एम एच अपोन में एम वी नॉट. टी टाइम के बाद कितना वेवलेंथ होगा, बात ऐसे कि वो ऐसे कहीं जाएगा. हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी तो वी नॉट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी क्यू ई बाय एम इन टू टी. सिंपल काइनेमेटिक्स है. तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम इन टू टी का क्यू ई बाय एम इन टू टी. मतलब अगर मैं बोलूँ एक्सप्रेशन दोबारा लिखूँ तो वी नॉट का स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम इन टू टी का स्क्वायर. ये हमारा नेट वेलोसिटी बाद का है. तो यहाँ से नया लैम्डा डैश क्या होगा एच बाय एम इन टू दिस वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम इन टू टी का स्क्वायर. ये आंसर आना चाहिए, लेकिन यहां से इन्होंने लैम्डा नॉट के टर्म में लिया. तो यहां से वी नॉट कॉमन निकाल लो, वी नॉट को कॉमन निकालोगे तो एच बाय एम वी नॉट का टर्म बन जाएगा. इसको देख के मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर जो सही आएगा दैट विल बी दिस. क्यू की जगह क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 42 का, राइट. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 43.
3. इन द ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दिस एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड दिस. मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है ट्रांसवर्स, मान लो मतलब इस डायरेक्शन में, मान लो ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घुस गया अंदर तो ऐसे घूम के बाहर आ जाएगा वापस, तो उसको अंदर में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड का हाफ टी विल बी इक्वल टू 2πm/qb, दैट वॉज टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 1/2, तो आंसर शुड बी πm/qb. इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी देख πm/qb है ना, हमको वेलोसिटी की तो आई गेस रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, तो वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो तुम b रखो और उसका 4 रखो, तुमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 43 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर व्हाट सी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहे हैं, इन द सर्किट शोन एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल देन द पावर कंज्यूम्ड इन 9 ओम रेजिस्टर. इसमें ये 9 और 6 क्या हो जाएगा 15, 15 और ये 10 और ये 30, तो 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10, इसको पहले सोल्व करते हैं. तो एलसीएम आएगा 13, 2+1+3, तो 3+1=6, 5, इसका मतलब 5 ओम तो ये आ जाएगा इनका टोटल 5, और 5 प्लस 20 क्या होगा 25, तो तुमको यहां से सर्किट में बैटरी से निकलने वाला करंट क्या मिलेगा 30/25, दैट विल बी 6/5. वो 6/5 यहां जाके ऊपर वाले ब्रांच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो वाला इस वाले ब्रांच में जाने वाला करंट निकालना और उसको I² × 9 कर देना. बहुत सिंपल सा सिंपल सर्किट का प्रॉब्लम है, क्लास के अंदर बहुत बार किया. मैं बस ये बोल सकता हूँ कि इस 9 ओम में जाने वाले करंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2/3 एम्पियर. इसे सोल्व करें तो तुमको आंसर मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45. 3 प्लेट्स ABC ऑफ ईच एरिया दिस, प्लेट सेपरेशन दिस बिटवीन ए एंड बी एंड बी एंड सी. द एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट्स आर वेन दे आर फुल्ली चार्ज. देखा जाए तो ध्यान से अगर मैं इस सर्किट को देखूं तो ए 3 प्लेट इस तरह से हैं, एक बैटरी है ए बी एंड सी, ठीक है. तो ये 0 वोल्ट है, ये प्लस 12 वोल्ट है, ये प्लस 12 वोल्ट है, ये प्लस 12 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है. तो यहां तो पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं. तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है. अगर दोनों पैरेलल में है तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट इज ½CV² प्लस दूसरे में भी क्या होगी ½CV², तो आंसर शुड बी CV² सी कितना है εo A/d और दोनों में V कितना है 12. A की वैल्यू निकाल लोगे, एरिया दे रखा है, डी तुमको दे रखा है, εo तो पता है, सोल्व करके आंसर लिख देना. मैं तुमको डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, 45 का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. अ प्रिज्म शेप्ड इमेजिनरी स्ट्रक्चर इज गिवन बाय अ चार्ज दिस. देखो यहां पे चार्ज क्यों रखा है, ये 45 है. अच्छा अगर मैं ऐसे सारे सेक्शन बना के इसको कंप्लीट कर दूं तो टोटल एंगल कितना बनेगा 180. इसका मतलब 45 उसका कितना है 1/6 आई गेस, या फिर 1/4 आई गेस. 45 अच्छा ये पूरा एंगल तो कितना 360 बनेगा ना, तो 360/45 कितना होगा, आई गेस 8 होगा, सॉरी, तो 1/8 टाइम्स हो जाएगा वो. एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, 45 90, हाँ ठीक है 8 होगा. अब बात ऐसी है कि इस चार्ज की वजह से इस नीचे वाले पूरे बनने वाले क्यूब में जो टोटल फ्लक्स जाने वाला था दैट वर्ड q/2εo, क्योंकि इसके वजह से तुम अगर एक इसके ऊपर क्यूब और रखोगे तो टोटल फ्लक्स q/εo आएगा. तो नीचे वाले से q/2 है लेकिन 45 का एंगल 1/8 पोर्शन होल्ड कर रहा है, तो q/16εo आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 47. A narrow stream of electron of 10 electron volt is fired at 2 parallel slits very close to each other. इसका मतलब दो स्लिट हैं, यहां से नैरो इलेक्ट्रॉन का बीम फायर कर दिया गया है, बहुत बढ़िया बात है. चलो स्लिट का द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 10 a. इलेक्ट्रॉन वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन 3 मीटर अवे. ये 10 एंगस्ट्रॉम मान लो 3 मीटर अवे, ठीक है. फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, λd/d. अच्छा लैम्डा हम कहां से निकालते हैं, h/mv, डी ब्रोगली, h/√2m(e)v, ये लैम्डा आएगा.
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ये पूरी एनर्जी दे रखी है मुझे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस लैम्डा को यहां पुट करना, डी गिवन है, स्लिट विड्थ भी गिवन है, सोल्व करके आंसर निकालना, आंसर आएगा तुम्हारा 47 का ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 48। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम द ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन इज थीटा। मतलब अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो मैक्सिमम एंगल तो क्रिटिकल, मैक्सिमम डेविएशन एंगल तो क्रिटिकल एंगल पे आएगा ना, तो लाइट अगर ऐसे जाके मैक्सिमम तो वो ग्रेज कर सकती है क्योंकि डेंसर से कहाँ गई है, रेयर पे, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 माइनस थीटा सी। अगर तुम ध्यान से देखो तो मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसका मतलब अगर लाइट जो है रेयर से डेंसर पे जाए तो मैक्सिमम डेविएशन क्या होगा, मतलब वो अपने पाथ से मैक्सिमम कितना डेविएट हो सकती है। तो उस केस में अगर मैं ऐसे बोलूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से अगर हम देखें कि अगर लाइट यहां से ऐसे जा रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, डेल्टा। अगर मैं ऐसे बोलूं लाइट किसी रेयर मीडियम पे आके गिरा, जस्ट ग्रेज करता हुआ ऐसे, ये रेयर है मान लो और ये डेंसर है, और लाइट जस्ट ग्रेज करता हुआ ऐसे आया और ऐसे घुस गया, इस केस में ये एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा। और तुमको याद रखना है कि ये जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल व्हेन डेंसर टू रेयर जो होता है वो रेयर से डेंसर से एग्जैक्टली क्या होता है, डबल। हालांकि यहां पे डिराइवेशन करना पड़ेगा, बहुत सी बुकों के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ स्टेटमेंट है कि क्या होता है, डबल। तो इसका मतलब अगर वो रेयर से डेंसर जाएगा तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, दैट्स अ कांस्टेंट वैल्यू से। लेकिन इस वाले केस में तुम एक बार चेक करना, आंसर नहीं मिले तो हम दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। तो 48 का आंसर मेरे हिसाब से क्या है, बी, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूं। ये ध्यान रखना कि जब डेंसर से रेयर जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन जितना होता है, रेयर से डेंसर का एंगल ऑफ डेविएशन उससे हाफ होता है, ये तुमको याद रखना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया तो तुम थोड़ा सा सोचने लग जाओगे, तो इतना सोचने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखो। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 49। द फोर्स विच मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन हीटेड फ्रॉम दिस टू दिस। तो फोर्स क्या होगा, ये थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, गामा इंटू एल्फा इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी। मतलब हम ऐसा बोलते हैं ना, फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाई एल। यंग्स मॉडुलस बाई एल, ये क्या होगा, एल इंटू एल्फा डेल्टा टी, डिवाइड किया तो एफ की वैल्यू क्या आएगी, यंग्स मॉडुलस इंटू एल्फा इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस। बाकी जो है तुमको यूनिफॉर्म रोड, तुमको एरिया दे रखा है और तुमको क्या दे रखा है, टेम्परेचर डिफरेंस दे के रखा हुआ है। यहाँ से अगर मैं फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट द यूनिफॉर्म रोड, अगर तुम यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर की वैल्यू आएगी 49, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आई गेस तुमको थोड़ा सा शायद यंग्स मॉडुलस और अल्फा की वैल्यू में दिक्कत हो सकता है। द फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड टू प्रिवेंट अ यूनिफॉर्म रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट इज हीटेड टू दिस टेम्परेचर। तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया, यंग्स मॉडुलस, ये वाली वैल्यू एग्जाम के ड्यूरिंग अगर नहीं दी है तो इसको बोनस करवाना पड़ेगा, और अगर दी है तो फिर बहुत बढ़िया बात है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ बॉडी ट्रैवल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन दिस। तो काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू बीटा इन टू डिस्टेंस है, ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इनटू डिस्टेंस, राइट। अब यहां से क्या पूछा है, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो वी किसके बराबर आ जाएगा, 2 बीटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एम का रूट, ठीक है। यहां से मैं क्या कर दूं, डीवी बाय डीटी कर दूं, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बीटा बाय एम इंटू क्या आएगा, 1 बाय 2 रूट एस इंटू डीएस बाय डीटी। ये ds by dt वापस क्या होगा, v, तो इस v को लाके तुम दोबारा यहां पुट करोगे तो dv by dt क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 बीटा by m इंटू 1 by 2 रूट s इंटू अंडर रूट ऑफ 2 बीटा s by m, ठीक है, ये dv by dt हो जाएगा। अच्छा dv by dt क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट विल बी क्या होगा, 2 बीटा by m
इन टू वन बाय टू और डेल्टा एस क्या होगा कट जाएगा और ए इज इक्वल टू क्या होता है एल्फा इन टू आर, तुमको यहाँ से आंसर मिल जाएगा बीटा अपॉन में एम आर ऑप्शन डी। तो 49 थोड़ा सा एम्बिगुअस लगा है मुझे, इसको मैं देखता हूँ एक बार, अगर तुमको वाई और ए की वैल्यू अगर नहीं गिवन है और अगर बिना जरूरत पड़े तुम कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, तो यू हैव सम गुड मेथड्स टू डू, लेकिन अगर नहीं है तो मैं इसका एक बार वो करता हूँ वेरिफिकेशन कि उन लोगों ने आंसर में एग्जाम में दिया था कि नहीं, अगर दिया है तो बोनस नहीं होगा, अदरवाइज इसको हम शायद बोनस करवा देंगे। ठीक है, चलो गाइस थैंक यू वेरी मच।